एक बात बताएं, एक बात बताएं। कम कम खाना पैसा नहीं है ज्यादा। का हो टमंटा, यहाँ कहाँ? अरे यार बंटी, शांति बैठो, शोर ना मचाओ। का है, का हो गया? अरे बड़ी मुश्किल से बचा एक लावा है के बाप से। गर्लफ्रेंड आई नंदी के शादी करवानी है। बाप होके तुम लड़के भगा शादी करवा रहे हो? अरे भैया, अरे भैया ना मचाओ शोर, भैया हो जाए दो कैसो शादी। क्या क्या खाना है बता दो, प्लेट लगाएं, थाली लगाएं कि पूरा हंडा उठा के रख दें? ऐसे ही पेश आते हो सारे कस्टमरों के साथ? काहे, हो सकता है हमारा मूड हमारे घर से खराब हो। अरे तो गाली दो सीधा, चिल्ला का है? अरे यार बंटी, यार तुम लंका लगावे आए हो का? शांति शादी होने दो हमारे लड़के। बिटिया बताओ का खाई हो? पनीर मंगवाए, तीखी तीखी पनीर बनाता है एकदम। अरे पापा पनीर न मंगवाओ, खाती अब टट्टी होने लगती बहुत इसको। अरे आज नहीं होगी, खा लेने दीजिए थोड़ा। यम टट्टी पिछाब सब बटिया डालो खाने के टाइम। खाना ही कन्वर्ट होके निकलता है, इसमें शर्म की बात नहीं है टट्टी पिछाब बतियाना। तो कहीं तुम कन्वर्टेड माल ही तो नहीं बेचते हो? मेरा 22 साल से दुकान चला रहे हैं, इनके जैसी 75 गर्लफ्रेंड आके अपने फैमिली के साथ खाना खा के जाती है। बाबू तुम तो कहते हो हमारे जैसी कोई है ही नहीं, ये तो 75 बता रहे हैं। अरे तो इनको बोल दो हमारी जैसी कोई नहीं। हम नहीं बोलेंगे, हमको शर्म आती है। देख रहे हो बंटी, बहुत संस्कारी घर की है बहुरिया, शर्म लिहाज सब है इसके पास। अभी फंसाई नहीं है ना तुमको, एक बार फंसाने पाने दो तब बताएगी तुमको। फंसाए तो है, हम लोग फंसे हो हैं। और बताओ, तुम्हारा दादा दिमाग हो गया खराब? हमारे यहाँ रिंकू टिंकू और सुधांशु शादी लंबी हुई थी, 3 साल मीट मीट बटिया फटा ली, शादी कर ली, रुके बाद लगा दी दहेज पट्टा। अच्छा ए भैया, दहेज में क्या लाई थी? रुमाल तक नहीं लाई थी। भैया ले खाना। हाँ हाँ ला ला ला, बहुरिया खाओ खाओ खाओ। बहुत बढ़िया है खाना ना बाबू? हाँ खाना तो बढ़िया है, तुम्हारू खाओ बंटी। अरे 50 रुपए तो थाली मंगाए हो, उसमें भी 4 लोग खा रहे हो, खाओ तुम, हम नहीं खाएंगे। क्या हुआ बहुरिया? अरे बाबू क्या हो गया, शर्मिला क्या हुआ? अरे दादा, अरे बाबू हमको हमको लग रहा है जैसे हमको लैट्रिन सी महसूस हो रही है। अच्छा ज्यादा तेज लगी है का? नहीं, कभी कभी तेज हो जाती, कभी स्लोली स्लोली दूर हो जाती है। अच्छा आप कैसे, आप कैसे, आप कैसे ठीक है क्या? महीने उतर रही? अरे नहीं लग रहा है उतर ना जाए कहीं। बाबू बताओगे ज्यादा तेज लगी? क्यों रहा तुम, क्यों रहा शर्मिला, तुम बताओ उतर तो नहीं रही? ज्यादा तेज लगी हो तो बताओ, बाहर है शौचालय कहीं देखे? हाँ देखो भैया, बहुत तेज आ रही है। अरे बहुत पहले था, पता नहीं हो कि ना हो। ए पापा 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 पापा, टिश्यू पेपर लगा पैंट में ही करवा दें अगर तो सही नहीं रहेगा जैसे? क्या लगता है आए? सही नहीं रहेगा? अरे तो कैसे होगा भाई, अरे भैया टट्टी है बनी, कहीं क्या करना है? साला तुम लोग आदमी हो कि कलंक हो? 50 रुपए प्लेट मंगवाए हो, 1 घंटे बैठे पंचायत कर रहे हो, अब उसी 50 रुपए प्लेट में टट्टी पिसा भागना, मुतना, नहाना धोना, सोना, बिस्तर बिछाना सब कर लेना। अरे भैया, अरे अरे भैया एक बार लैट्रिन हो जाने दो, हम 5-6 प्लेट हम अकेले खा जाएंगे तुम्हारा, तुम टेंशन ना लो, बिक्री करवा देंगे पूरी। बेइज्जती हो जाएगी भैया, समझा करो, गर्लफ्रेंड शादी होने वाली है हमारी। जाओ सामने है लैट्रिन। साला आजकल यही समस्या है कि ढाबे में जो है टट्टी नहीं बनी रहती है और सब व्यवस्था रहता है। यही शादी करी हो का? काहे का दिक्कत है, सुनाई नहीं दे रहा, बहरे हो क्या? अरे बचपन से हमारे यहाँ कान जो है प्राकृतिक रूप से गायब हो गया है, गंदी चीजें सुनाई नहीं देती। अब इस खाने कौन खाएगा? काहे हम खाएंगे, मैं बाबून पादा है, कोई बुरा थोड़ी ना उसमें। तुम्हारा बस चले तो तुम तो जाके ऊपर लैट्रिन खा लो। अरे यार बंटी, बाबू ही तो है, क्या हो गया पाद दिया तू? वाह बुढ़ाओ, घर में अम्मा बप्पा 5 दिन 2 फुट 4 फुट दूर जाके खड़े होते हो, बाबू पाद दिया तो क्या हो गया? काहे हम बहुत प्यार करते हैं अपने बाबू से। करो प्यार, मार खाका के हग नहीं दिए ना तुम तो कहना। बेटा तुमको चाय बनानी नहीं आती है, मक्खी मरी तैर रही इसमें। अब वो चाय बनाएगा कि मक्खी को तैरना सिखाएगा?
गुटका थूक के बात करिए हमसे। फ्री में नहीं आता, 5 रुपए खरीदते हैं, पेड़ में लाइन लगाए पैसा। एक कंटा आप घुमा देंगे बेटा, पीछे लैटरिन में गिरोगे जाके। यू नॉनसेंस ब्लडी फाउल। आई एम नॉनसेंस। यू ऑफ द फाउल इज वांटेड। यू रॉन्ग स्पीकिंग। यू डोंट इंग्लिश। स्टूपिड स्टूपिड साइलेंट किलर। नो डिस्ट्रिक्शन ओनली चरसकोंडा। हम तो इसीलिए इंग्लिश बोलते ही नहीं, बहुत लंबी बात हो जाती है। हाँ, अब जैसे तुमने आए बोला, अब इसको इंग्लिश में बोलना हो तो कहना पड़ेगा आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, प्लीज से अगेन। और इसी को हिंदी में बोलना हो तो ऐसे कह दो आए आए, बस हो गया। यहाँ शादी करावे आए हो कि तुम अंग्रेजी पढ़ावे आए हो? यार पापा, बाबू खाना मंगवाओ। अभी तो खाई हो? कहाँ खाए, पोटी नहीं चले गए थे। ए डाटा डाटा, हलवाई देखो, हलवाई हलवाई देखो, देख रहे हो, देख रहे हो क्या कर रहा। हाँ तो अब अब्बा है हाथ से खाना दे दी का। ए, ए, ए दादा, ए बाबू लग रहा है फिर से जाना लैट्रिन होगी क्या? अरे तो उठ के जाओ जहाँ गई थी वहाँ। अरे अरे हम गए थे लेकिन पानी नहीं आ रहा था तो हम वहीं से ही छोड़ आए, अब कैसे जाए उसी में दोबारा। तुली भी नहीं थी? नहीं। यार शादी करी हो का तो क्या हुआ, हम प्यार करते हैं अपने बाबू से। ऐसा करो चलो घर ही निकलो, घर ही निकलो। हाँ चलो चलो उठो उठो घर, चलो घर चलो। हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे हमारा कुछ छूट रहा हो यहाँ? बाबू बाबू हमें पता है, वो जो लैट्रिन करके आए हैं ना वो इतने रखी है, उसको भी तो ले लो, वही छूट रही है। जो यहाँ पार्टी कौन गिराया था? अरे वो, अरे हमसे जाते टाइम हो गई थी, बहुत तेल लगी थी हमको। ऊपर देखो शर्मिला। अरे अरे पापा, अरे अरे माँ पापा, हमको नहीं पता था यही काम करते हैं। अरे अरे बाबू बचा लो बाबू। कौन है बॉयफ्रेंड तुम्हारा? ताए हम है, बताओ क्या कर लोगे। अरे क्या हुआ, लैट्रिन कर दी क्या?